हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल आज के इस लेक्चर में रिकरेंस रिलेशन के थ्री प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मास्टर थेरम का यूज करेंगे आज का ये जो लेक्चर है वो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसका यूज करके मास्टर थेरम के रिकरेंस रिलेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सम सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं हाँ उसके पहले अगर आपने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स को नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन रहेगा देखिए हाँ आप लोगों के सामने दिख रहा होगा थ्री प्रॉब्लम इन सारे प्रॉब्लम को वन बाई वन हम सॉल्व करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन यहां पे एक डाउट्स क्लियर कर देता हूं कभी कभी क्वेश्चन पेपर में मैथड मेंशन रहता है और कभी कभी मेथड मेंशन नहीं रहता है हम लोग अभी मास्टर थ्योरम के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मास्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे सेमेस्टर एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मेथड मेंशन रहेगा जो मेथड मेंशन रहेगा उस मेथड का यूज़ करके आप रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करोगे और गेट के क्वेश्चन पेपर में मैथड मैंशन नहीं रहता है वहां पर जस्ट आपको रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना रहता है तो आप किसी भी मैथड का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन गिवन रहेगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई फोर प्लस एन आप सभी को पता होगा मास्टर थेरम के रिकरेंस रिलेशन का एक जनरल फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का फॉर्मेट होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी प्लस एफ ऑफ एन ए का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होना चाहिए बी का वैल्यू ग्रेटर देन वन होना चाहिए और ये एफ ऑफ एन एस एम टोटिकली पॉजिटिव होना चाहिए मीन्स यहाँ पे जो साइन यूज़ होगा वो पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड रिकरेंस रिलेशन से कंपेयर करते हैं तो ए वैल्यू कितना है यहाँ पे सिक्सटीन ए इज़ इक्वल टू सिक्सटीन लिखेंगे इसके बाद में बी वैल्यू देखिए क्या मिलेगा इस रिकरेंस रिलेशन के डिवाइड फैक्टर में कौन सा वैल्यू यूज हुआ है फोर तो इधर हम लिखेंगे यहां पे फोर एफ ऑफ एन के प्लेस पे वैल्यू देखिए एफ ऑफ एन के प्लेस पे कौन सा फंक्शन गिवेन है एन ये हो गया अब आप कंडीशन चेक कर लोगे ए का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होना चाहिए बी का वैल्यू ग्रेटर देन वन होना चाहिए यहाँ पे ट्रू है और एफ ऑफ एन का जो ये साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए मीन्स यहाँ पे तीनों कंडीशन ट्रू है और जब कंडीशन ट्रू है तभी आप मास्टर थेरम यहाँ पे अप्लाई करोगे अदरवाइज़ मास्टर थेरम अप्लाई नहीं होगा एक कंसेप्ट मैं आपको और बता दे रहा हूँ केस ये जो सिक्सटीन है यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाए जैसे ए टू द पावर एन आ जाए कोई भी फंक्शन आ जाए जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाए तो ये वैलिड नहीं होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो कांस्टेंट होना चाहिए न्यूमरिक वैल्यू होना चाहिए कोई भी फंक्शन यूज नहीं होना चाहिए तो इस केस में हम मास्टर थेरम अप्लाई नहीं कर सकते इसके बाद में हम n टू द पावर लॉग a बेस b कैलकुलेट करेंगे n को एज इट इज लिखेंगे log ए और बी के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे ए के प्लेस पे वैल्यू सिक्सटीन पुट करेंगे बी के प्लेस पे फोर पुट करेंगे और इस पावर को सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे ओनली पावर के वैल्यू को सॉल्व करना है एन को एज़ इट इज़ लिखेंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा टू मिलेगा क्योंकि फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन तो आंसर आएगा टू इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में एफ ऑफ एन से कंपेयर करेंगे जो ग्रेटर होगा वो टाइम कॉम्प्लिसिटी हो जाएगा ग्रेटर मीन्स पावर टाइम ग्रेटर होना चाहिए यहाँ पे इसका पावर कितना है वन सेम फंक्शन यूज़ हुआ है देखिए यहाँ पे एन का पावर वन है और एन टू द पावर लॉग ए बेस बी में पावर कितना है टू है इसमें से ग्रेटर टर्म कौन सा है एन टू द पावर लॉग ए बेस बी तो टाइम कॉम्प्लिसिटी में क्या आ जाएगा एन टू द पावर लॉग ए बेस बी इसको लिखेंगे कैसे तो हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले लाइन में लिखेंगे एन टू द पावर लॉग ए बेस बी एफ ऑफ़ एन का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें ग्रेटर कौन सा टर्म आया एन टू द पावर लॉग ए बेस बी ग्रेटर है तो टाइम कॉम्प्लीसिटी में ये आपको लिख देना देर फॉर टाइम कॉम्प्लिसिटी टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा जो ग्रेटर टर्म है वो लिखेंगे तो इसमें से ग्रेटर टर्म कौन सा है एन टू द पावर लॉग ए बेस बी एन टू द पावर लॉग ए बेस बी के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे एन स्क्वायर देर फॉर टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एन स्क्वायर इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो थीटा एन स्क्वायर रहेगा अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू थ्री टी एन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस रूट एन क्या गिवन है यहाँ पे रूट एन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कंपेयर करने के बाद में ए वैल्यू बताइए कितना है यहाँ पे थ्री बी वैल्यू थ्री एफ ऑफ एन रूट एन है एफ ऑफ एन अंडर रूट एन इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो अंडर रूट को अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा वन बाई टू या फिर एन टू द पावर जीरो पॉइंट फाइव इसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है एन टू द पावर लॉग ए बेस भी कैलकुलेट करेंगे एन टू द पावर अब इसके बाद में ए और बी के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे ए के प्लेस पे थ्री और बी के प्लेस पे भी थ्री पुट करेंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा वन आया अब हमें f ऑफ n से कंपेयर करना है तो सेम फंक्शन है बट इसके पावर में f ऑफ n के पावर में 0.5 और एन के पावर में वन है इसमें ग्रेटर वाला टर्म कौन सा है एन टू द पावर लॉग ए बेस बी तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे एन टू द पावर लॉग ए बेस दोनों में से ग्रेटर टर्म कौन सा है एन टू द पावर लॉग ए बेस बी तो टाइम कॉम्प्लिसिटी क्या हो जाएगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा जो ग्रेटर टर्म है वो लिखेंगे एन टू द पावर लॉग ए बेस बी वैल्यू पुट करेंगे थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी वैल्यू कितना है एन तो इसका टाइम कॉम्प्लिसिटी क्या आ जाएगा थीटा एन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अब हम थर्ड वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू सेवेंटी एन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस एन स्क्वायर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो ए वैल्यू यहाँ पे ए वैल्यू कितना है सेवन बी वैल्यू थ्री और एफ ऑफ एन वैल्यू है एन स्क्वायर नेक्स्ट अब हमें एन टू द पावर लॉग ए बेस बी कैलकुलेट करना है एन टू द पावर लॉग इसके बाद में ए और बी के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे ए के प्लेस पे सेवन बी के प्लेस पे थ्री पुट करेंगे और इस पावर वाले टर्म को कैलकुलेट करेंगे जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा वन पॉइंट एट वन पॉइंट एट आया अब एफ ऑफ़ एन से कंपेयर करेंगे तो जो एफ ऑफ एन का पावर है वो टू है और एन टू द पावर लॉग ए बेस बी का पावर कितना है वन पॉइंट एट तो इसमें ग्रेटर वाला टर्म कौन सा है एफ ऑफ एन लिखेंगे एन टू द पावर लॉग ए बेस बी एफ ऑफ एन का जब आप कंपैरिजन करोगे तो ग्रेटर टर्म कौन सा आएगा एफ ऑफ एन तो कॉम्प्लिसिटी में कौन सा टर्म आएगा एफ ऑफ एन कॉम्प्लिसिटी क्या हो जाएगा एन स्क्वायर तो t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा लिखेंगे और ग्रेटर टर्म है यहाँ पे f ऑफ n f ऑफ n के प्लेस पे वैल्यू को पुट करेंगे जो n स्क्वायर आया तो टाइम कॉम्प्लिसिटी t ऑफ n कितना हो जाएगा n स्क्वायर इस तरीके से मास्टर थ्योरम का यूज करके आप रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हो इस मेथड का यूज करके रिकरेंस रिलेशन का जो आंसर है कुछ सेकेंड में आप फाइंड कर सकते हैं इवन आप देख के बता सकते हो कि इसका जो आंसर है कॉम्प्लिसिटी है वो क्या आएगा बट इसका लिमिटेशन है कि ऑल रिकरेंस रिलेशन पे आप मास्ट मास्टर थेरम अप्लाई नहीं कर सकते तो देखिए कुछ यहां पे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको जैसे गेट में क्वेश्चन आया आप प्रॉब्लम को देखेंगे और देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है ए वैल्यू 16 है बी वैल्यू 4 है एन टू द पावर लॉग ए बेस भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा स्क्वायर मिलेगा एफ ऑफ एन से कंपेयर करेंगे तो इसका जो कॉम्प्लिसिटी है वो क्या मिलेगा थीटा एन स्क्वायर क्योंकि लार्जर वाले ग्रेटर वाले टर्म को हमें लेना है यहाँ पे देखिए जब आप ए और बी को कैलकुलेट करोगे एन टू द पावर लॉगे बेस भी वैल्यू सेम है तो वन आएगा और जब आप कंपेयर करोगे रूट एन से तो ग्रेटर वाला टर्म कौन सा है एन तो थीटा एन आएगा इसका आंसर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये सेवन है और ये थ्री है एन टू द पावर लॉगे बेस भी कैलकुलेट करेंगे तो पावर में n टू द पावर ए बेस बी के पावर में वन पॉइंट एट आएगा और एफ ऑफ एन में टू है तो ग्रेटर वाला टर्म कौन सा है ये वाला है तो इसका कॉम्प्लिसिटी क्या आएगा थीटा एन स्क्वायर तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने बाकी फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं थैंक यू सो मच